गाइज, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपने पिछले दो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो फ्रॉम देयर। एंड हम सिर्फ अभी 11th के लिए स्पेसिफिकली चल रहे हैं, फॉर द रेगुलर कोर्सेज ऑफ 11th। अगर आपको लगता है कि हमें नीट के लिए भी कुछ वीडियोज बनानी चाहिए स्ट्रिक्टली फ्रॉम NCERT 11th एंड 12th, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके नीट के एग्जाम्स जो भी देने वाले हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं एंड द डेट्स आर वेरी टेंटेटिव। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर हम आपके लिए कुछ और वीडियोस लेके आ सकते हैं फॉर नीट 2020 तो विल बी प्रिविलेज्ड। सो अगर आपको लगता है कि हमें वीडियोस बनाने चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि डाइवर्सिटी क्या होती है। जहाँ पे प्लांट और एनिमल का जो टोटल सम हमें दिखता है प्लांट्स एनिमल्स में, हाँ इसमें हम माइक्रोब्स को नहीं लेते हैं, ऐसे जो है वो पूरा सम टोटल कहीं पे भी, और आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसी भी लेवल पे देखने को मिल सकती है। हाँ, जितना स्मॉलर एरिया होगा आपको डाइवर्सिटी उतनी कम दिखेगी, और जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ सुपरविजन बढ़ाते जाएंगे डाइवर्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो उसके हिसाब से बढ़ती जाएंगी। एक रेंज है जो कि है 1.7 से 1.8 मिलियन, यही अभी हम फिलहाल जो है वो 2004 जो के हिसाब से हम ये मानते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है हमारे पूरे वर्ल्ड की। अब हम आते हैं यहाँ पे। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। We know that the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अच्छा, अब बायोलॉजी में जो है आपको पता है कि हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो हम ये जान रहे थे कि बेसिस क्या है, अब हम ये जानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी हमारे आसपास, आप सब जानते हो कि उनका एक स्पेसिफिक नेम है। पर इवेंचुअली होता क्या है, ये जो नेम है ना, जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, लौकी, बिटरगार्ड जिसको कहते हैं। अब विद इन अ कंट्री जो है, यहाँ पे जो लाइन दी है विद इन अ कंट्री, इवन विद इन अ कंट्री जो है जो नेम्स होते हैं लोकल नेम्स वो भी वैरी करते हैं। अगर आप इधर नॉर्थ में हो तो उसको लौकी के नाम से जाना जाता है, पर थोड़ा सा आप महाराष्ट्र साइड या साउथ में शायद चले जाओ, महाराष्ट्र नॉल का मुझे पता है, वहाँ पर इसको दूधी बोली जाती है लौकी को। तो आप सोचो एक ही कंट्री में ही होने के बावजूद लौकी को अलग, और पता नहीं और छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता होगा, मुझे तो सिर्फ दो ही नाम पता है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। पर अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होंगे तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी ऐसे इंटरनेशनल प्रोसीजर को, एक इंटरनेशनल नॉर्म को अप्लाई करें जिसके थ्रू जो है अगर हमने वो नाम बोला तो दैट वुड बी स्पेसिफिक टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि वो एक नाम, अगर जैसे मान लो मैंने बोला ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर तो सिर्फ हम आते हैं ना, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमें एक नाम दिया गया है होमो सेपियंस। तो अब होमो सेपियंस की जब भी बात करी जाएगी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अगर होमो सेपियंस बोला जा रहा है तो उससे क्या समझा जाएगा, इंसानों को ही तो समझा जाएगा, क्या कुत्ते और बिल्ली को लिया जाएगा? नहीं। तो ये इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम को जो है वो उसका इजाद करने की ज़रूरत महसूस हुई कि भाई एक ऐसा नेमिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि जो है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो होना चाहिए। उसके लिए अब धीरे धीरे इस जो आगे चैप्टर में जो हम जा रहे हैं तो हम उसी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। As there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called as nomenclature. और वही naming देने का procedure, किसी को naming देने का procedure कि इसको ये कहा जाएगा, ये process ही क्या होती है? Nomenclature. जैसे हम लोग IUPAC system भी पढ़ते हैं, IUPAC में हम क्या करते हैं जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं। अब वो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी जो है वो भी क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जो मिथेन है वो मिथेन उसको हर जगह वही बोला जाएगा, जो एल्कीन है एल्काइन है उसको हर जगह उसी नाम से स्पेसिफाई किया जाएगा। सेम उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक नेमिंग सिस्टम होगा जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाएगा, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर।
Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अच्छा, naming का मतलब क्या है कि हम जो है कुछ characters होंगे जो properly जो है वो किसी एक organism के नाम पे fit होंगे. जैसे मान लो अगर हम three jointed legs की बात कर रहे हैं तो हम सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? Insect. तो हमें ये आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि हाँ इंसेक्ट्स के थ्री जॉइंटेड लेग होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं. अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है तो हमारा जो नॉमिनक्लेचर होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉमिनक्लेचर. अगर आप किसी चीज को ढूंढ ही नहीं पाओगे तो उसको नॉमिनक्लेट क्या करोगे? In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, specific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. एक बुक आप बोल सकते हैं बनी हुई है ICBN जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इन सबको आप टिक करते जाएंगे. इसमें सारे जितने प्लांट्स हैं उनका क्या साइंटिफिक नेम है ये सब कुछ इसी के अंदर आता है. ICBN एक संस्था बोल सकते हैं जो ये पूरा काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एक उनके पास बुक होगी, एक उनके पास डेटा होगा जिसमें इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस हैं उन सबका साइंटिफिक नेम रजिस्टर्ड होगा और वो जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसी साइंटिफिक नेम के बेसिस पे जाने जाएंगे. हाँ, उनके कॉमन नेम्स हो सकते हैं पर जो एक नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में रिनोन्ड होगा जिससे हर जगह हर देश का इंसान रिलेट कर सकता है दैट विल बी द साइंटिफिक नेम. सिमिलरली एनिमल्स जो है एनिमल के लिए भी आया. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसको ICZN बोलते हैं. Scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used for any other known organisms. अच्छा, ये जो scientific name होगा ना वो सिर्फ has only one name. जो भी scientific name हम किसी भी organism का चाहे वो animal हो चाहे वो plant हो सिर्फ एक ही होना चाहिए. अगर होमोसेपियंस है तो होमोसेपियन ही सिर्फ एक लौता बायोलॉजिकल नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई और दूसरा नाम नहीं होगा. और उसके फीचर्स भी ऐसे होंगे कि जैसे ही हम वो फीचर्स बोलेंगे तुरंत से हम बोल देंगे अच्छा ये होमोसेपियंस के बारे में बात कर रहा है. ठीक, अगर हम लार्जेस्ट, अगर हम ये कहें कि द मोस्ट डोमिनेंट मैमल ऑन दिस अर्थ तो कौन है? हम है, होमोसेपियंस. Biologists also follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. Do naam nahi hai. Binomial ka matlab ye mat samajhna ki do naam hai uske. Nahi. Naam ek hi hai. पार्ट दो होते हैं. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब उस नाम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. जो पहला होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जीन को बताता है, जीनस को बताता है. एंड जो सेकंड होता है जो उसके साथ प्रीसीडिंग वर्ड जो हम लगाते हैं वो होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्पीशीज को बताता है. क्लियर है? फर्स्ट जो है वो जीनस को बताता है इसीलिए उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं. जो उसके साथ प्रोसीडिंग वर्ड होता है वो बताता है स्पीशीज को इसलिए हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट. इसीलिए इसको बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसका मतलब ये नहीं है दो नाम है, एक ही नाम होता है पर उसके दो पार्ट्स होते हैं. ये दिया था कार्लस लिनियस ने, कैरलस लिनियस. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अलग से एक जगह यहाँ पे जो आपकी स्पेस है यहाँ पे आप लिख सकते हो. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट होता है जेनरिक नेम, सेकंड इज द स्पीशीज एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट एंड इज गिवन बाय कैरलस लिनियस. बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं कैरलस लिनियस. इनके बारे में हम जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे. इन्होंने नेमिंग करी थी. This naming system was given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. The naming system uses two word format was found convenient
लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो. अब इन्होंने क्या किया, मैंगो के नाम से जो है वो मैंगो के साइंटिफिक नेम से, बोटानिकल नेम से हमने बताया कि जो ये दो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड ये सिस्टम हर जगह प्लांट्स एनिमल्स सब में फॉलो होता है. आई शुड टेल यू, ये सब में फॉलो होता है. प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका. लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम. इन दिस नेम जो फर्स्ट है ये जीनस को बताता है, ये फर्स्ट है क्योंकि पहला वर्ड जो है, दो वर्ड्स है इसमें, दो वर्ड का फॉर्मेट है. पहला वर्ड जेनरिक हो जाएगा, इंडिका क्या हो जाएगी, उसकी स्पीशीज हो जाएगी या स्पेसिफिक एपिथेट. यूनिवर्सल रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट याद होना चाहिए. मैग्निफेरा इंडिका में समझ में आया, जो मैग्निफेरा है वो क्या है, जीनस है, और जो इंडिका है वो उसकी स्पीशीज है. तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. जो ये लैटिन है, इट गो जनरली, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, इनको जनरली जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, और लैटिन लैंग्वेज में होते हैं ये जनरली, और इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है. इटैलिक्स फॉर्म क्या होता है राइटिंग का, जो थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं इटैलिक्स. देखो मैग्निफेरा इंडिका ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है. द फर्स्ट वर्ड आपको पता है लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, लैटिन जो है वो लैंग्वेज वो जनरली वहां से डिराइव्ड होते हैं उनके सारे जो भी बोटानिकल नेम्स हैं, और उनको रिग लिखा इटैलिक्स में जाता है. आपको पता है ना ग्रीक और लैटिन ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट डिमिनिश हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं ताकि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहे. द फर्स्ट वर्ड पहला तो ये हो गया, लैटिन हो गया, इटैलिक्स में उसको लिखा जाता है. द फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. आपको पता है फर्स्ट जीनस होता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है. जो भी बोटानिकल नेम होता है उसका फर्स्ट पार्ट जीनस है, सेकंड पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट है. मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया ताकि आपको याद रहे. Both the words in a biological name, when handwritten, are specially or separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. अगर handwritten कर रहे हैं उनको, अगर हाथ से लिख रहे हैं उन्हें अपनी जगह पे, तो हम specifically उनको क्या करते हैं, इटैलिक्स में या तो प्रिंटेड होते हैं, या तो जब हम लिखते हैं उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. नीट के जो भी बच्चे होंगे ये यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर मैंने लाइन चेंज कर दी, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन टुगेदर, बस मैंने ये लिख दिया और नीट में आपसे पूछ दिया कि इसमें ये सही है या गलत है. Both the words in a biological name when handwritten are underlined together. आपका statement wrong हो जाएगा. क्यों? क्योंकि separately underline करना होता है. मतलब genus लिखा उसके नीचे underline करोगे, specific epithet लिखा उसके नीचे underline करोगे. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, but अगर आप ये छोटी छोटी चीजें 11th में ही समझ गए तो आपको आपके लिए कुछ और फिर रहेगा नहीं, जिसको आप 12th के boards के बाद अपना तुरंत से revision कर सकते हो 11th के लिए with an NCERT. And trust this fact always ki 85 to 90% to mai guarantee le sakti of the questions kisi bhi exam mein, neat ho and competitive mein to aapke jo normal exams hote hain board usme to 95 to 99%, but नीट में आपके more than 90% या 90% ऐसे questions होते हैं जो कि इसी किताब से आने वाले हैं. और अगर आप इसी किताब को अच्छे से पढ़ लो तो आप बाकी के जो 10% है वो भी कर लोगे. बाहर भागने की कोई भी जरूरत नहीं होती है. बच्चे इसीलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टडी द बुक दे हैव. और एनसीईआरटी को समझना जरूरी है. ये एनसीईआरटी का पढ़ाने का तरीका इज वेरी डिफरेंट. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज हिडन, उसे भी समझना है, और जो लिखा गया है उसके बारे में आपको डीप में भी जानना है. फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, फोर्थ जो लास्ट है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. जैसे कि आपको लिखा हुआ है मैग्निफेरा इंडिका, देखो फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस वो तो एम उसका स्टार्टिंग वर्ड
कैपिटल होता है, पूरा नहीं, वो बोल रहा है फर्स्ट वर्ड डिनोटेड जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मतलब कि ये सब स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और इसमें ये जो सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट ये स्मॉल से ही रहता है, बाकी तो दोनों स्मॉल से ही रहते हैं। जैसे हमें पता है ना कि कोई भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करते हैं लिखना इंग्लिश में, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का, दैट हैज टू बी कैपिटल। ठीक उसी तरीके से जो जीनस है उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, तो सेकंड प्रेसीडिंग स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो जो है स्मॉल लेटर होगा। मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया, कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एक चीज और होती है, अगर नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म, मैग्निफेरा इंडिका LIN, ये क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, एब्रोविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो जो भी इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज डिस्क्राइब्ड बाय लेनियस, अगर जिसने भी वो बोटानिकल नेम दिया होगा उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया होगा, जो भी साइंटिस्ट होंगे उससे अटैच या जो भी ऑथर होगा उससे अटैच, तो उसका नाम अगर हम ऐड करना होता है तो हम लास्ट में ऐड करते हैं, और वो भी कैसा होता है, एब्रोविएटेड फॉर्म होता है। जैसे कोई भी हेकल अगर कोई भी साइंटिस्ट हो गया तो हम उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसका अब्रिविएशन लिखेंगे। जैसे लेनियस, तो लेनियस उसके उनकी टाइटल थी, तो लेनियस सेकंड नेम था, तो लेनियस में जो है हमने उनको LIN लिख दिया, मतलब उनका अब्रिविएटेड फॉर्म लिख दिया। अच्छा, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक ही टाइम पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल, सो व्हाट वी डू, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अच्छा, क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करूँ कि गुड स्टूडेंट्स एंड मीडियम स्टूडेंट्स एंड बैड स्टूडेंट्स या स्टडीज, तो मेरा कैरेक्टर ये सारी मैं क्या करूँगी, एक एक कैरेक्टरिस्टिक लूंगी, पढ़ने में अच्छे हैं गुड स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं गुड स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं क्लासिफाई करके उनको अलग अलग टाइटल्स के अंदर में डालती जाऊंगी। कैरेक्टर्स क्या है, मार्क्स हो जाएंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कितने एक्टिव है वो, कल्चरल में कितने एक्टिव है वो। सिमिलरली क्लासिफिकेशन भी यही चीज है, क्लासिफाई हम वहाँ स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उन सब की क्लासिफिकेशन करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो हमें दिख रहे होते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे जो है कि हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या होता है, ग्रुपिंग करते हैं कि इनको इधर भेजा जाए, इनको इधर भेजा जाए, चार पैर वाले इधर जाएंगे, जिनके ऊपर हेयर्स हैं वो इधर जाएंगे, इन ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में उनको हम भेजते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में भेजने की ही प्रोसेस को वी कॉल एज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट categories based on the observations. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats, insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characteristics to your characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, बात है, हम imagine कर लेते हैं उसके features को, imagine कर लेते हैं हम tail, imagine कर लेते हैं उसके जो जीभ दिन भर बाहर आती रहती है उसको, imagine कर लेते हैं जो dog pant करते हैं। Obviously, each one of us will see dogs and not cats. अगर हमने डॉग, अगर किसी ने बोला डॉग, तो हमारी जो दिमाग में इमेज बनती है वो किसकी बनती है, डॉग्स की बनती है, वो कैट्स की नहीं बनेगी। हाँ, नाउ इफ वी टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर देखो, अगर हमने एल्सेशियंस के बारे में बात करा तो फिर हम कैरेक्टर, अगर हमने एल्सेशियन कभी देखा होगा तो हम उसके फीचर्स को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन नहीं देखा होगा तो नहीं समझ पाएंगे कि एल्सेशियन कैसा दिखता है। Alsatian एक डॉग की ब्रीड होती है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. जैसे मैंने बोला कि जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में कर देते हैं सब, तो सबसे बेसिक फीचर मैमल्स का क्या होता है, उनमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं
और उनके ऊपर हेयर होते हैं। तो ये अगर हमने मैमल्स की बात करी तो हम क्या ढूंढेंगे कि अच्छा मैमल्स के तो ये कैरेक्टर्स हैं, अच्छा ये कैरेक्टर हमको जहां जहां ऑब्जर्व हो गए हमने उनको उस मैमल्स में जो है वो जा करके ग्रुप कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हमने क्लासिफाई कर दिया। इन सब मान लो 5 जानवर आपके सामने रखे और आपको उनको क्लासिफाई करना है कि ये मैमल्स में आते हैं कि नहीं आते हैं। मैमल के जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं आपने उनको देखा, जो उन पांचों में से आपको लगे उन पांचों में से 2 लगे, 3 लगे, जितने भी लगे कि हाँ ये मैमल के कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको हमने लाके मैमल्स में डाल दिया। तो हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। अब जैसे हेंस ऑल दीज डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस प्लांट्स एसेट्रा एनिमल्स अ कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। अच्छा ये सारे के सारे क्या है, कैटेगरीज है जिनको हम जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैग्जा। है यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैग्जा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, ये सब taxa हैं. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, dogs represent taxa at different level. अच्छा, जो हर category है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एनिमल, तो एनिमल एक कैटेगरी हो गई, एनिमल्स के कुछ कुछ फीचर्स होंगे, उन सब के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, एनिमल्स, वो जो वो उन सब के अंदर जो भी लोग आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एनिमल। तो किसी भी प्रेजेंट मोमेंट पे किसी भी फिक्स्ड कैटेगरी को जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैग्जा। वो कैटेगरी कोई भी हो सकती है। हाँ, अब एनिमल बोल दिया तो बहुत सारे एनिमल्स उसके अंदर आएंगे, लेकिन अगर हमने डॉग बोला तो डॉग के अंदर तो सिर्फ डॉग्स ही आएंगे ना। पर थोड़ी सी चीज यहाँ पे समझना है, बहुत हम समझ नहीं पाते हैं जल्दी इसको। डॉग भी एक कैटेगरी है। अगर हमने डॉग के अंदर फिर हम आने लगे तो डॉग एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि स्कूल, तो स्कूल एक कैटेगरी है, उसमें जितने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे वो सब उसके अंदर फॉल करेंगे, वो एक टैग्जा है। पर अगर मैं बात करूं स्कूल में क्लास 8th की, तो क्लास 8th में तो सिर्फ 8th तक के ही अंदर बच्चे आएंगे ना, लेकिन उसमें भी सेक्शन अलग अलग होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर जब 8th की सिर्फ बात करेंगे तो 8th भी एक टैग्जा हो गया ना, 8th की भी एक कैटेगरी आ गई ना। अच्छा, तो वो कैटेगरी हर एक लेवल पे बदल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूल एक कैटेगरी है, स्कूल भी एक कैटेगरी है, पर उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उस पर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से क्लास 8th भी एक टैग्जा बन सकता है, लेकिन फिर क्लास 8th में जो जो आएंगे वो उस कैटेगरी के अंडर में आएंगे। समझ में आया? इसी तरीके से एनिमल्स हैं, डॉग हैं, मैमल हैं, ये सब टैग्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। अगर मैं एनिमल बोलूं तो एनिमल एक सबसे ऊपर लेवल पे होगा, उसके नीचे मैमल्स आएंगे, उसके नीचे डॉग्स आएंगे, फिर उसके अंदर एल्सेशियन आएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन हर अगर हम सिर्फ डॉग्स की बात करें, मैं पूछूं डॉग क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, वो भी तो एक कैटेगरी बन जाएगी ना। कैटेगरी बनने की कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती है डॉग? बिल्कुल, तो कोई भी चीज, लेकिन लेवल अलग अलग हो जाएगा। जैसे एनिमल है, बहुत बड़े लेवल पे वो एक टैग्जा है, मैमल है उससे कम लेवल पे एक टैग्जा है, डॉग उससे भी नीचे लेवल पे एक टैग्जा है, डॉग के अंदर एल्सेशन उससे भी एक नीचे लेवल पे टैग्जा है, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल में सब टैग्जा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैग्जा। और जैसा जैसा कैरेक्टरिस्टिक तुम देते जाओगे अलग अलग टैग्जा बनता जाएगा, यही तो बात है। जो कैरेक्टर, अच्छा एक बात बताओ, जो कैरेक्टर्स मैमल्स में होंगे वही सेम कैरेक्टर्स क्या डॉग्स में भी होंगे? नहीं ना। जैसे जैसे हम अपने अभी जो क्लासिफिकेशन है उसको रिफाइन करते जाएंगे और डीप चलते जाएंगे, एक समय के बाद जो है वो जो फीचर्स होंगे वो क्या सारे के सारे मैमल वाले फीचर्स डॉग में आएंगे? होंगे, लेकिन जो जनरल फीचर्स होंगे, अब मैमल में तो बहुत सारे मैमल जाते हैं ना, तो क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए अलग, फिर वो जाकर के आगे ब्रांच हो जाएंगे और अलग अलग टैग्जा बनेगा। जैसे कि फिर डॉग का एक टैग्जा होगा और कैट का एक टैग्जा होगा, डॉग और कैट, लेकिन दोनों
आएंगे किसके अंदर, मैमल्स के ही अंदर आएंगे ना, लेकिन फिर ब्रांचिंग हो जाएगी उनमें. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. और अलग अलग टैक्सा पे, अलग अलग कैटेगरी पे जो है, जब हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग कैटेगरीज पे क्लासिफाई करने की इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. जैसे कि यहां पे लिखा है, टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ. अरेंजमेंट का वो लॉ ही होता है टैक्सोनॉमी, एक लॉ जिसको हम फॉलो करते हैं अरेंजमेंट के लिए. और अरेंजमेंट किसका करना है हमें, प्लांट्स और एनिमल्स का ही अरेंजमेंट करना है. एक्सटर्नल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होता है टैक्सोनॉमी देखते वक्त, हम ये भी देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स भी, इंटरनल फीचर्स भी, सेल का भी स्ट्रक्चर देखते हैं. एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या क्या हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स हो सकते हैं, सेल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें. हेंस कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना, प्रोवाइड करना. आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या करना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बिहाफ पे उनकी खोज करना, या उनको इन इन कैरेक्टर्स में अच्छा ये आते हैं ये पिक करना, इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफाई करना उनको कैरेक्टर्स के बेसिस पे. एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. गाइस, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सारे बेसिक्स हैं टैक्सोनॉमी के. इन्हीं के बिहाफ पे जो है वो टैक्सोनॉमी जो है वो होती है. और इसका एक कोड है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, CICN, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. सॉरी, हाँ सही है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, CICN. तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बेसिक्स क्या है टैक्सोनॉमी के, तो आप सिर्फ मुझे ये निमोनिक बताओगे, दैट इज CICN. और अपने बुक में भी साइड में आप यहाँ पे लिख लो कि निमोनिक्स क्या क्या हैं. और मैंने अभी तक जितने भी निमोनिक्स आपको बताए हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो सारे के सारे निमोनिक्स एक जगह लिख के दे दो. सिर्फ मुझे लिख के निमोनिक्स बताओ. अगर आपको निमोनिक्स याद है, जैसे F3P, ये सारी चीजें अगर आपको याद है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो याद होंगी. अब आते हैं, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज. आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स एक ऐसे हैं जो कि सबसे हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग फीचर्स हैं इस अर्थ पे. तो हमारे अंदर इंक्विजिटिवनेस बहुत होती है, मतलब हम सारी चीजों को जानने के बहुत इच्छुक होते हैं. और वो जानने की इच्छा जो है वो सबसे ज्यादा पता है किस चीज से शुरू होती है, आपके यूज से. अगर आपको किसी चीज, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने सुना होगा, अगर जब तक आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है, तब तक आप वो चीज जो है वो उसके लिए भागना दौड़ना आप जरूरी नहीं समझते. जैसे आप एग्जाम्स में पढ़ते हो, लेकिन जब एंड टाइम आता है ना, जब एग्जाम का पूरा एक महीना बचा रहता है या 1.5 महीने बचे होते हैं, तब आप जो पढ़ाई करते हो, क्या आप पूरे साल पढ़ाई करते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. बहुत है जो पूरे साल भर पढ़ते होंगे, पर क्यों? क्योंकि तब आपकी नीड बढ़ जाती है, कि आपको डर होता है कि आपको पढ़ना है. तो यहाँ पे भी नीड की वजह से कई सारे इन्वेंशन करे किए गए थे. और इंसान ऐसा नहीं कि टैक्सोनॉमी जो है वो आज ही हम शुरू करना है, वो नीड के अकॉर्डिंग, नीड की वजह से लोगों को उसकी जरूरत महसूस हुई. जो अर्ली हमसे पहले के जो जितने भी अर्ली मैन थे, उनको ये जरूरत महसूस हुई, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेंशन किए थे. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. रोटी, कपड़ा, मकान, जो सबकी जरूरत होती है, वो तब भी उनकी जरूरत थी, सबसे बेसिक नीड. वो तब भी वही बेसिक नीड थी, आज भी रोटी, कपड़ा, मकान इज द ओनली बेसिक नीड. हेंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वे बेस्ड ऑन द uses of various organisms. तो जो earliest classification किए गए थे वो किसके basis पे थे? Use of various organisms. Comment section में मुझे लिख के बताना, earliest classification were based on dash. Human beings were since
long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. The branch of study was referred to as systematics. वो सिर्फ जो है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में इच्छुक नहीं थे और ना ही उनके डाइवर्सिटी के ही बारे में सिर्फ जानने में इच्छुक थे, लेकिन उन दोनों में क्या, उन सारी चीजों में आपस में क्या रिलेशनशिप्स थे, क्या समानताएं थी, वो समानताएं नहीं क्या संबंध थे, वो सारी चीजें, कोई किसी चीज से किसी वजह से रिलेटेड होता था, इसकी भी जरूरत उन्हें महसूस हुई। और तब ये जो ब्रांच है साइंस का, स्टडी का, जिसमें हम ना ही सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जानने उन्हें सिर्फ जानते हैं, बट उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, उसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक्स। जो ये सिस्टमैटिक वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सिस्टमा। सिस्टमा जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचर लेनियस ने यूज किया था एक टाइटल अपने ऑर्गेनिजम्स के लिए एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, जो लेनियस की किताब थी। एंड द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक्स का बेसिस क्या था वो अभी आप जानेंगे, टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या था वो अभी हमने जाना है, CICN। सिस्टमैटिक्स का बेसिस क्या था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिज्म के मतलब उनका ओरिजिन क्या है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, इसके बीच में भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का काम ही यही है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो सबसे जो बेसिक रिलेशनशिप है वो कहाँ से आएगा, कि वो आए ही कहाँ से थे। तो सिस्टमैटिक्स इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं, इस चीज को, कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी ऑर्गेनिज्म के बीच में सिस्टमैटिक्स में देखी जाती हैं। तो कैरेक जो टैक्सोनॉमी है उसमें CICN था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम फाइलोजेनेटिक भी बोलते हैं। तो अगर आप याद रखना चाहो तो यहाँ पे जो CICN है उसमें से ये सी हटा दो, सिर्फ ये वाला सी हटा दो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये हो जाएगा सिस्टमैटिक्स का प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सिस्टमैटिक्स के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेके बताना कि सिस्टमैटिक्स का क्या बेसिस है और टैक्सोनॉमी का क्या बेसिस है। टैक्सोनॉमी का CICN और जो सिस्टमैटिक्स है वो सिर्फ ICN है प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब हम आते हैं कैटेगरीज। अब वो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं या जो टैक्सा हैं या जो रैंक हैं या जो लेवल्स हैं उनको हम कैसे बोलते हैं और क्या उनके बारे में जो चीजें हमें जानना है वो अभी हम यहाँ देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी। जैसे लैडर होता है, सीढ़ी होती है, उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, उसी तरीके से टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, वो एक सीरीज है स्टेप का, एक पूरी की पूरी सीढ़ी है जिसमें हर स्टेप जो है वो एक रैंक या एक कैटेगरी को डिनोट करता है। जैसे एक सीढ़ी है जिसमें 10 स्टेप हैं, तो उसमें 10 रैंक हैं और हर रैंक एक अलग कैटेगरी को शो करता है। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब वो जो पूरी लैडर है उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अब उस लैडर के जो जो एक स्टेप होंगे, समझते जाना, लैडर है वो पूरा का पूरा जो सीढ़ी है, अगर सिर्फ सीढ़ी को देखोगे तो वो क्या है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, और एक एक स्टेप जो है उसमें वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इतनी डीप में, इतनी क्लियरली आपको 11th में समझना जरूरी है, जो कि बहुत लोग जो है स्किप कर देते हैं, जस्ट गो विद द सेंटेंसेस। बट अगर आपको अब नीट में या आपके एग्जाम्स में चीजें बहुत कंसेप्चुअल पूछी जाती हैं, you need to understand each and every word that is written in NCERT. So taxonomic category ये हो गई, and all the categories together constitutes the hierarchy. Hierarchy का मतलब क्या होता है, एक order. तो सारे step को, सारे category को एक साथ जोड़ देंगे तो वो एक order ही में तो आ जाएंगे, वो order बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सारी सीढ़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं तो एक order में ही तो लगी रहती हैं, तो वो एक order form कर लीजिए जिसको हम बोलेंगे taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. अब देखो, जो भी एक category है
जैसे मान लो स्टेप है, एक सीढ़ी है उसकी, या जो एक स्टेप है उस सीढ़ी का, वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक। और इसी को रैंक बोलते हैं या बोलते हैं टैक्सॉन। तो हर सीढ़ी क्या है, टैक्सॉन है। हर सीढ़ी के जो स्टेप क्या है, सॉरी, वो क्या है, टैक्सॉन है। और जो पूरी की पूरी सीढ़ी है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। या ये पूरी की पूरी सीढ़ी के जो सारे स्टेप है वो कंस्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। इंसेक्ट्स के पास जो जितने भी इंसेक्ट होंगे उनमें एक कॉमन फीचर होता है दैट दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। इन मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे गिवन अ रैंक और कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसेक्ट है वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिनको हम देख सकते हैं, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और अगर उनको क्लासिफाई किया गया है तो इनको एक रैंक या कैटेगरी भी दी गई होगी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? तो ऐसे आप उसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को ले सकते हैं। रिमेम्बर, ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। ग्रुप भी एक कैटेगरी को बताता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी अलग अलग हो सकते हैं, तो ग्रुप भी तो अलग अलग हो सकते हैं। इंसेक्ट्स हो जाएंगे, एक अलग ग्रुप हो जाएगा। आर्थ्रोपॉड्स हो जाएंगे, एक अलग ग्रुप हो जाएगा। ऑर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, ये सब अगर आप अलग अलग इनको देख रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे। फिशेस ले लो, एक अलग ग्रुप हो जाएगा। बर्ड्स ले लो, एक अलग ग्रुप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बर्ड भी एक अलग रैंक है, एक अलग कैटेगरी है, एक अलग टैक्सोन है। कोई भी चीज जिसके अंदर कोई बहुत सारी और चीजें आएंगी वो एक क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट हो जाएगा क्लासिफिकेशन का। अगर आपने फिशेस ले लिया तो वो भी एक यूनिट है ना क्लासिफिकेशन का। फिशेस के अंदर भी जो है वो दो तरह के और डिविजन्स पाए जाते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब आप मुझे यहां बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सॉन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सॉन। क्लासिफिकेशन का यूनिट मतलब वो छोटी इकाई, जैसे सेल है ना, उसी तरीके से वो क्या है, टैक्सॉन। अब जब बताओ सीढ़ी बनानी है तो स्टेप से ही ना सीढ़ी बनाएंगी, तो स्टेप सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी वो चीज जिससे वो पूरी की पूरी चीज बन सकती है वो क्या, एक छोटी सी, छोटा सा स्टेप। उसी तो एक सब सारे कई सारे स्टेप्स को जोड़ देंगे, सीढ़ी बन जाएगी। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज है। एंटिटीज मतलब होती है कि इनको ये डिफरेंट इनको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए जाते हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी को डिनोट करना, अच्छा ये चीज ये है, तो बायोलॉजिकल एंटिटीज जैसे ये चीज है, ये सारी चीजें फिशेस है, तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहे हैं फिशेस के ऊपर कि हाँ ये ऐसे कैरेक्टर शो करता है तो ये फिशेस है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैटेगरीज है जिनको बारे में बात करेंगे, किंगडम, फाइलम और डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये पूरे के पूरे कैटेगरीज हैं।